हेलो बॉडी गर्ल, हेलो, हाय। हफ्ते में कितनी बार जाते हो? हाय गाइस, नोट कर दियो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा जिसमें मैं न्यूयॉर्क गया था, न्यूयॉर्क में मैंने ईशा के साथ एक छोटी सी वीडियो बनाई थी। आज जो है फ्राइडे है, तो आज फ्राइडे रात को सेलिब्रेट करना चाहते हैं सब लोग मिलके साथ में बर्थडे ईशा का। तो वो तो रात को है, रात को जाएंगे वहां पर, और उससे पहले आज सिर्फ चेस्ट का वर्कआउट करूंगा, क्योंकि दो बॉडी पार्ट मारने का टाइम नहीं है। 1:30 बजे तक मुझे घर वापस जाना है। सॉरी अबाउट दैट। एटी % बॉडी ड्रेन्ड आउट, अच्छा वर्कआउट था। और आज का जो मौसम है ना, आई स्वेयर बहुत ही बढ़िया मौसम है, 10 सेल्सियस है, तो दैट्स द रीज़न मैं हुडी में घूम सक रहा हूँ। अच्छी खासी धूप निकली है, जितनी सारी स्नो थी यहाँ पर पिघल गई है और अभी फिसलन नहीं है, अच्छी बात तो ये है। तो जिम से आने के बाद अच्छे से मैंने एक चिकन सैंडविच बनाया, साथ में स्क्रैम्बल्ड एग्स उसके बनाए और खाया पिया। और अभी मैं यहाँ पर हमारा जो ऑफिस का जो शूट है वो करने के लिए आया हूँ। ये घर का ही सेटअप है। आज का जो शूट है वो स्टार्ट होने वाला था 11 बजे, फिर मुझे पता लगा कि लेट हो रहा है 1:30 बजे, फिर पता लगा कि और लेट हो रहा है, तो अभी बजने वाले हैं 3। कब मैं शूट ख़त्म करूँगा, कब रेडी होंगे और कब मैं न्यूयॉर्क के लिए जाऊँगा, और पता नहीं मैं कितने बजे न्यूयॉर्क पहुँचूँगा, बट आज न्यूयॉर्क जाना ज़रूरी है क्योंकि ईशा का बर्थडे सेलिब्रेट करना है और साथ में आपको भी दिखाना है कि न्यूयॉर्क में पार्टी शार्टी होती है तो कैसी होती है। शूट खत्म करके मैं निकल तो गया हूँ, बट आज कंफर्म मैं लेट हो गया हूँ। पहले डिनर का प्लान था, डिनर के बाद वो लोग कहीं पार्टी शार्टी करने जाने वाले हैं, बट डिनर के लिए शायद मैं नहीं पहुँच पाऊँगा। तो 7:10 की ट्रेन पकड़ी है मैंने, पैदल चल के मुझे जाना है जहाँ पर वो लोग, अभी पता नहीं कि वो कितनी दूर है। जगह है जहाँ पर लास्ट टाइम वो बंदा लड़ रहा था, अभी तो आज मिलिट्री है यहाँ पर। एनजे ट्रांजिट से यहाँ तक पहुँचा और यहाँ से मैं सबवे लेके भी जा सकता था, बट अभी वो इतना स्ट्रगल कौन करेगा, उससे अच्छा 15 मिनट की वॉक है यहाँ से। डिनर तो इनका हो गया, बट ये लोग बाद में कहीं जा रहे हैं क्लबिंग करने के लिए, तो वहाँ पर मैं जाऊँगा और वहाँ जाके इनके साथ थोड़ी मौज मस्ती होगी। जगह का नाम है स्लेट, न्यूयॉर्क सिटी, तो वहाँ पर पहुँचेंगे। ये है 29th स्ट्रीट, अभी मुझे जाना है 21st स्ट्रीट में और वहां से मुझे लेफ्ट लेना है। फाइनली पहुंच गया यहाँ पर। हेलो बर्थडे गर्ल, हेलो, हाय, हाउ आर यू? Say something. What's up? How are you? Hi. Hi all my fans. यहाँ पर सारे कोट वगैरह रख रहे हैं हम लोग। मेरे को जाओ तो सही। स्लाइड घर इन लोग को स्टूडियो से नहीं जाना है, तो यहाँ पर स्लाइड बनी हुई है, तो स्लाइड से जा रहे हैं। मेरा बैग, माय बैग, माय बैग, मेरा बैग। Yeah. I'm not gonna lie, daughter has a bone on Yagi, her brain fried. My lady popping Zenny, other lady popping Molly, why she waiting on me? Yogi my area, yogi my area. Keep on heading if you want, I drive it like a nut. I don't wanna hear you, jig up down, I ain't you know, like I'm Bango, cutting my hair. I just keep going though, so she's gonna make what flying non-stop. Kelly is a New York, put on me though. Pranav, Pranav. Pranav from Andheri, but yeah, but New York. She's Tanvi. Tanvi, where are you from? New York. But I'm from Pune. Pune. So, तुम लोग हफ्ते में कितनी बार जाते हो? जब महीने में कितनी बार जाते हो? महीने में तो 4-3 बार। अच्छा, ऐसी जगह पर? अभी बता, मैं लेट आया तो तुम लोग ने क्या क्या खाया? हमने थाई फूड खाया जो मैंने मिस कर दिया, और
अभी कुछ चटर पटर खा लूँ और फिर बाद में रात को मुझे लगता है कि आज स्ट्रीट फूड ही खाना पड़ेगा। ये जो जगह है इसका नाम है स्लेट और यहाँ पर बहुत सारे गेम। बहुत सारी गेम्स है जैसे कि व्हाट इज दिस गेम कॉल्ड? व्हाट इज दिस गेम कॉल्ड? द नेट फोर। हाय माय नेम इज अतुल, मैं मुंबई से हूं। आई करेंटली लिव इन Gonna lie, dollar has a fun on Yagi, her brain fried. My lady poppin' Zanny, had her lady poppin' Molly. Why she waiting on me? Yogi my area, yogi my area. Keep on heading if you want. Hey, तो hard कर, हाँ, उसके बाद तो short जाने वाली थी, वो नहीं चली जाती। I'm not gonna lie, dollar has a fun on Yagi, her brain fried. My lady poppin' Zanny, had her lady poppin' Molly. Why she waiting on me? Bye. क्या पार्टी थी यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बाद में सिक्योरिटी वाले आ गए थे, उन्होंने मेरा कैमरा देख लिया था, उन्होंने बोला कि सर यू कांट यूज़ योर प्रोफेशनल कैमरा इन द क्लब। तो फिर मैंने अपना कैमरा जहाँ पर अपने कोट दिए थे वहाँ पर बैग में डाल के रख दिया और उसके बाद फ़ोन से थोड़ा सा व्लॉग किया, ज़्यादा व्लॉग नहीं। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरे चैनल को बहुत पहले से फॉलो करते हैं, बहुत। इवन मायामी में गया हूँ पार्टी करने के लिए, न्यूयॉर्क में गया हूँ पार्टी की है, बट कल रात वाली पार्टी थी ना, उसका मतलब अलग ही एक मज़ा था, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मुझे याद है मैं द्रोणा शूट के लिए गया था प्राग, प्राग में अभिषेक बच्चन के साथ पिक्चर आई थी एक द्रोणा, मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर था उस पिक्चर में, दो तीन गाने किए थे और वहाँ पर हम लोगों ने मतलब मोस्टली तीन चार दिन ऐसी ही पार्टी की, मुझे याद है। और एक मुझे याद है जब भी हम लोग शूट कर रहे थे वो गाना था बूम 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 बूम, वो जैकी बगनानी की मूवी आई थी, मुझे मूवी का नाम अभी याद नहीं है। वो मूवी की शूट करने के लिए हम लोग गए थे रोम और वहाँ पर जब शूटिंग का पैकअप हो जाता है ना तो मोस्टली क्या करते हैं, या फिर सेट पे पार्टी होती है या फिर अगर आउटडोर जाते हैं कहीं शूट करने के लिए तो आउटडोर में वो लोग पार्टी वार्टी थ्रो करते हैं, मोस्टली एक्टर्स हो गए या फिर डायरेक्टर हो गए या कोरियोग्राफर हो गए। तो फिर हम लोग वैसा पार्टीज हमने हमेशा किए, मैंने तो हमेशा किए, बट अमेरिका आने के बाद ऐसी वाली पार्टी फर्स्ट टाइम मैंने की है। मतलब बहुत जगह गया हूँ घूमने फिरने के लिए, पार्टीज वगैरह करने के लिए, बट इतनी रात लेट नाइट और क्लब के अंदर ऐसी धूमधाम से म्यूजिक बज रही है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। क्यों चिल्ला रहा है, क्या हो गया भाई? स्क्रीमिंग शाउटिंग, हाँ व्हाट हैपेंड? हाय कुकु, डू वांट अ पार्टी? इसको यही काम है यहाँ पर बैठ के दोनों जन बदमाशी करना है, और पूरा यहाँ पर मैंने कवर लगाया हुआ था ताकि ये लोग ऊपर गंदा ना करे, बट फिर भी सिटिया से हेलो से हेलो, गुड जॉब कुकु, से हेलो कुकु, से हेलो, गुड जॉब बेबी, आई लव यू टू। दिनों से मस्त मौसम था, मतलब ठंड थी बट इतनी ज़्यादा नहीं थी, माइनस में नहीं चल रहा था, और अचानक से रात को स्नोफॉल स्टार्ट हो गया क्योंकि मेरीलैंड वर्जीनिया में शायद वहाँ पर स्नो स्टॉर्म आया है, तो थोड़ी सी स्नो यहाँ पर भी तो आनी है। आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या असर हो रहा है, आप लोगों ने पहले भी देखा रहेगा बट वापस से देखो क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ। यू नो व्हाट, मेरे रूम से भी आपको फ्रेश स्नो देखने को मिल जाएगी, ये सामने ही लेक है और यहाँ पर स्नोफॉल हो रही थी रात को बट अब भी कम हो गई है। ये रहा मेरा छोटा सा बारबेक्यू, मैंने कुछ दिन पहले ये टेबल पे रख के ये रूम में बैठा था, ये टेबल पे मैंने अपना बारबेक्यू रखा, यहाँ पर कोयला वोयला जलाया, आग लगाई और यहाँ पर चिकन बनाया था। तो ठीक है, आज की वीडियो को इधर तक ही रखता हूँ, प्लीज़ आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड अच्छा तू एंड कर रहे, आजा आजा। अगर आप लोग नए मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, ज़्यादा अच्छी लगी है तो कमेंट कर देना एंड लाइक भी करके जाना। दैट्स अबाउट इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग, आई लव यू ऑल एंड प्लीज बी सेफ, बाय बाय।